कूड़े के ढेर की समस्या को लेकर भारतीय किसान यूनियन प्रशासन के खिलाफ धरना दे रहा था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा था। प्रशासन ने अब काफी समय बाद भारतीय किसान यूनियन से बात कर 4 महीने के अंदर समस्या से निजात दिलाने की बात कही है। काशीपुर के कशनाल गाजी में नदी के किनारे बनी प्रैचिंग ग्राउंड कूड़े के ढेर को लेकर भारतीय किसान यूनियन का लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसको कई बार सुलझाने के प्रयास किए गए परंतु कोई समाधान नहीं हुआ था। इसी मामले को लेकर प्रशासन ने किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के साथ समस्या के निराकरण को लेकर बात की। प्रशासन ने 20 दिसंबर तक समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि नदी के किनारे बने कूड़े के ढेर से लोगों को काफी समस्याएं आती है। वहीं नदी में आए पानी से सारा कूड़ा लोगों के घरों में पहुंच गया। इसी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको लेकर आज सभी के बीच सहमति व्यक्त की गई है। काका भाई, आज कुछ बिंदुओं पर बैठकर समझौता हुआ है। 5 दिन यहाँ पर धरने को हो गए और शहर का कूड़ा रुका हुआ है, उसी को मद्देनजर रखते हुए 1 दिसंबर 2023 का समय दिया है यहाँ पर कि आप लोगों के पास 4 महीने का समय है, आप इस कहीं और ट्रांसफर कीजिए। तब तक आप यहाँ पर डालते रहिए। कुछ बिंदु खुले में आ रहा था और सही नहीं था, मेडिकल वेस्टेज थी, उन बिंदुओं को लेकर बात हुई और इनसे कहा कि आप रिटर्न में प्रस्ताव भेजेंगे और उसकी हमें कॉपी देंगे कल 4 बजे तक। अगर आप कल 4 बजे तक हमें वो कॉपी नहीं देंगे तो कल फिर यहाँ पर जैम कर दिया जाएगा। ये इन बिंदुओं पर इन लोगों से बातचीत हुई है, क्योंकि काफी यहाँ से लोग परेशान हैं इस कूड़े को लेकर। मेन जो दिक्कत है यहाँ पर, तो हमारा कूड़े हटाने की योजना, इन्होंने बहुत योजना बताई कि हम ऐसा करने वाले हैं, प्लांट लगाने वाले हैं, वो सबको दरकिनार करते हुए एक ही बात पर कहा है पूरी कमेटी ने कि हम आपको सिर्फ 4 महीने का समय देते हैं यहाँ से हटाने के लिए, दूसरी जगह ढूंढने के लिए ये जगह उपयुक्त नहीं है। मौके पर पहुंचे उप जिला अधिकारी अभय प्रताप सिंह ने धरना प्रदर्शन पर बैठे लोगों को इस समस्या को दूर करने के लिए 4 महीने का आश्वासन दिया है। ऐसे ढीला नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया था और जो ढीला अपने मूल स्थान से ढीला नदी जो है अन्य स्थानों पे डाइवर्ट हो गई थी, जिसके वजह से जो हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड वहाँ पे भी काफी पानी आ गया था और आसपास जो वार्ड नंबर 40 है लोगों के खेत हैं आसपास, तो उसमें भी पानी भी आ गया और चूंकि ट्रेंचिंग ग्राउंड पास में था, इसकी वजह से मलबा भी जो है कुछ लोगों के खेतों में आ गया था। इसी को लेकर यहाँ पे जो वार्ड नंबर 40 के लोग हैं, इनके द्वारा जो है धरना दिया जा रहा था और उनका ये लगातार वो लोग कूड़ा भी जो आ रहा था उसको आने नहीं दे रहे थे, तो इसको लेके इनके साथ लगातार बैठक की गई। इनकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है, इसका समाधान के लिए यहाँ बात हुई। कुछ इन्होंने चीजें बताई जो चीजें हमारे नॉलेज में नहीं थी, निगम के भी नॉलेज में नहीं थी, उनके द्वारा बताया गया, तो सारी चीजों का हम अनुपालन कराएंगे। इसके साथ ही इस वार्ता में नगर आयुक्त विवेक राय ने भी कहा कि नगर निगम कूड़े की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है, जल्दी ट्रैचिंग ग्राउंड से लोगों को राहत मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ढेला नदी ने बड़ा तांडव कर रखा है, उसका प्रभाव है कि यहाँ के किसान बहुत प्रभावित हुए, उनकी उनका जो है प्रभावित होने के बाद आक्रोश बहुत ही जायज है, उस पर हमारी वार्ताएं हुई हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है। किसानों ने जो समस्याएं रखा उसका एक सलूशन उनको दिया गया है, निकट भविष्य में यहाँ पे और स्थिति को सुधारा जाएगा और उनकी जो समस्याएं हमारे तक पहुंच नहीं पा रही थी, जैसे मेडिकल वेस्ट का यहाँ आना, होटलों द्वारा यहाँ कूड़ा डालना, मंडी का कूड़ा यहाँ आना, रेलवे का कूड़ा यहाँ आना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो चोरी छिपे लोग यहाँ डालते रहे बिना हमारी सहमत के, लेकिन ये लोग भी हमें नहीं बताया, हमारे भी नॉलेज में नहीं था ये चीज़ें। अब इन सारी चीज़ों का अंकुश लगाया जाएगा, इनको सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, तो निश्चित रूप से इंतजार करो। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।